अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर चैडविक बॉसमैन अब हमारे बीच नहीं रहे। अमेरिका के लॉस एंजलस में अपने घर में उन्होंने आखिरी सांसें ली। वो कैंसर के एक टाइप कोलन कैंसर से पिछले 4 साल से लड़ रहे थे। अपनी शूटिंग के साथ साथ वो इस बीमारी का इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन लास्ट में वो इस बीमारी से जीत नहीं पाए। सो आखिरकार चैडविक बॉसमैन इतने स्पेशल क्यों है? पूरी दुनिया में उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, इसका एक स्पेशल रीजन है। अगर हम बात उठाएं चैडविक बॉसमैन की फिल्म्स की, तो उन्होंने अपने करियर में काफी सारी फिल्में की हैं, लेकिन जो उनकी सबसे एक जबरदस्त फिल्म है वो है ब्लैक पैंथर। 2018 में आई हुई ब्लैक पैंथर ने ऑस्कर में 3 खिताब अपने नाम किए थे, लेकिन इसके साथ एक अलग रीजन था, एक इमोशनल अटैचमेंट थी लोगों की चैडविक बॉसमैन के साथ। वो अटैचमेंट क्या थी? एक्चुअली इंटरनेशनल फिल्म्स में स्टार कास्ट में एक ब्लैक सुपर हीरो का किरदार निभाने वाले चैडविक बॉसमैन ब्लैक पैंथर का रोल निभा रहे थे 2018 में आई हुई उनकी इस फिल्म के साथ में। उससे पहले भी अवेंजर्स की एक सीरीज में ब्लैक पैंथर को दिखाया गया था, लेकिन कोई भी एक लीड फिल्म ब्लैक पैंथर के साथ नहीं बनाई गई थी, किसी भी एक अश्वेत एक काले एक्टर के साथ में नहीं बनाई गई थी। ब्लैक पैंथर नाम की फिल्म 2018 में रिलीज हुई, उसके डायरेक्टर एक ब्लैक डायरेक्टर ही थे, एंड जिन्होंने स्टोरी लिखी थी ब्लैक पैंथर की वो भी एक ब्लैक बंदा ही था। सो उस प्रकार की फिल्म को डायरेक्ट करना, एक बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना, इंटरनेशनल फिल्म्स में अमेरिका जैसी बड़ी सिटी में भी इसको एक काफी बुरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, एक रिस्क समझा जाता है कि एक काले एक्टर के ऊपर इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। इन प्रकार टाइप की भांतियों को, जैसी भी ये अफवाहें हैं, जैसी भी एक सोच होती है, उन सब चीजों को चैडविक बॉसमैन ने तोड़ा और उनकी ये फिल्म ब्लैक पैंथर ऑस्कर में 3 खिताब अपने नाम कर गई और पूरे वर्ल्ड में जो उसकी नेट कलेक्शन थी दैट वॉज 9400 करोड़ अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी। इतनी ज्यादा जो एक फिल्म की कलेक्शन है वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी सोलो सुपर हीरो के द्वारा नहीं की गई है। सो विद दैट रीजन एक काले एक्टर की वजह से उनके साथ लोगों की एक बहुत ज्यादा अटैचमेंट जुड़ गई थी, जो कि अफ्रीकन लोग थे, इंडियन लोग थे, बहुत ही पूरे वर्ल्ड में इस फिल्म को इस वजह से पसंद किया गया। एंड ऑफकोर्स इस फिल्म का एक्शन डायरेक्शन एंड स्टोरी लाइन इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक। सो वकांडा के राजा अब हमारे बीच नहीं रहे, तो आप समझ सकते हैं इस बात को, अगर एक राजा ही नहीं रहेगा उसकी प्रजा में तो प्रजा के ऊपर क्या बीतेगी। दैट काइंड ऑफ फीलिंग ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है एंड हर जगह लोग काफी ज्यादा सैड हैं, उनके फैन काफी ज्यादा सैड हैं उनकी डेथ से।